हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये समझने की कोशिश की कि जो 1850 के बाद, 1857 के क्रांति के बाद, 1857 के क्रांति के बाद जो एक जो 1857 के क्रांति के बाद आफ्टर 1857 टिल 1895 राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। तो हमने पिछले लेक्चर में यह समझने की कोशिश की कि राष्ट्रवाद का विकास इन 30-40 सालों में कैसे हुआ। हमने बात करते थे कांग्रेस की स्थापना के पहले तक की, हमने बात की। नाउ लेट अस सी कि जो कांग्रेस की स्थापना के पहले कौन सी संस्था, प्रेडिसर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ये हमेशा आता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले की संस्थाएं कौन कौन सी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बना दिसंबर 1885, पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कौन पे, अध्यक्षता किसने की, डब्ल्यू सी बनर्जी ने। बड़े आसान सवाल है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में बनती है। ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज एक्सप्रेशन था ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑन ऑल इंडिया स्केल। इसकी कई पूर्ववर्ती संस्थाएं थी, इसकी कई संस्थाएं थी जो इसके पहले बन चुकी थी, जो अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन थी। तो अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन, अर्लीस्ट अर्लीस्ट पब्लिक एसोसिएशन था इसका, जो भारत में सबसे पहला पब्लिक एसोसिएशन बना, मॉडर्न इंडिया। इट वाज द लैंड होल्डर सोसाइटी, इट वाज लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी पहला एसोसिएशन था मॉडर्न इंडिया में। ये किसका था, इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ द लैंड होल्डर्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। ये कब बना, ये बना 1837 में। आप ईयर लिखिएगा, कई बार क्या होता है ईयर से क्रोनोलॉजी पूछ लेते हैं। इसका पर्पस क्या था, व्हाट वाज द पर्पस, व्हाट वाज द एम, ऑब्जेक्टिव टू मेक दिस। द पर्पस वाज प्रमोटिंग द क्लास इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स, प्रमोटिंग द क्लास इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड्स की रुचियों को, लैंडलॉर्ड के हितों को ध्यान में रखकर इसको बनाया गया। इसके बाद बनी 1843। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट है 1843। इसमें कौन बनी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। ये कब बनाई गई, ये बनाई गई 1843 में। इसका पर्पस क्या था, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रमोट जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। इसका लक्ष्य क्या था बनाने का, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों की दोनों ऑर्गेनाइजेशन 1851 में मर्ज कर गई। बोथ ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी लैंड होल्डर सोसाइटी थी, जो आपकी दोनों की दोनों सोसाइटी थी, लैंड होल्डर सोसाइटीज एंड दिस बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये दोनों की दोनों मर्ज कर गई 1851 में अपनी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो एक सवाल बन गया, दो सोसाइटी का नाम आप जान गए, उन दोनों का लक्ष्य क्या था यह पता लग गया। यू केम टू द बोथ सोसाइटीज,
यू केम टू नो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दो सोसाइटीज। दोनों सोसाइटीज 1851 में मर्ज करें, क्या बनी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसी तरह से मद्रास नेटिव एसोसिएशन एंड द बॉम्बे एसोसिएशन, एटीन फिफ्टी टू में क्या क्या बनी? द मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, पहला बनी मद्रास नेटिव, दूसरा बॉम्बे एसोसिएशन। ये दोनों कब बनी? 1852 में। ये दोनों की जो बनती है 1852 में। साइंटिफिक सोसाइटी किसी बनती है? साइंटिफिक सोसाइटी। ये सवाल कई बार आए हुए हैं, साइंटिफिक सोसाइटी। नेक्स्ट क्या है? साइंटिफिक सोसाइटी, ये कब बनी? 1852 में। इसको किसने बनाया? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। ये सोसाइटी जो बनी, ये विभिन्न शहरों, अलग अलग शहरों में ये सोसाइटी बनाई, भारत के विभिन्न शहरों में अलग अलग सोसाइटीज ये बनाई गई। ऑल दीज एसोसिएशंस, ऑल दीज सोसाइटीज, ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये सारी संस्थाएं, सारे संगठन, सारी सोसाइटीज, वे डोमिनेटेड बाई वेल्दी एंड एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स, जो बड़े मजबूत और जो बड़े अमीर लोग थे उनके द्वारा ये कंट्रोल किया जाती थी। ये किसके लिए काम करती थी? दे वर्क फॉर रिफॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्पीड ऑफ एजुकेशन एंड सेंट लॉन्ग पिटिशंस पुटिंग फॉरवर्ड इंडियन डिमांड्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अभी तक की जो सब सोसाइटी बन रही थी उनका बड़ा सीमित लक्ष्य, वह प्रशासन में सुधार की बात करती थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी मांग भेजती थी, वो शिक्षा के प्रसार की बात करती थी, लोगों के बीच शिक्षा की बात करती थी, और लंबी लंबी याचिकाएं, लॉ पिटिशन भेजती थी किस पास? ब्रिटिश के पास। किसके लिए? इंडियन डिमांड्स के लिए, कि जो इंडिया की डिमांड है वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास है। तो जो पीरियड है आफ्टर 1850, मैं बहुत ही संजीदगी से पिछले और आज के लेक्चर में आपको कंसंट्रेट कर रहा हूँ, द नेशनलिज्म प्रायर टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। अगर इस पीरियड पे सवाल आता है तो मटेरियल आसानी से नहीं मिलता है, सवाल गलत हो जाता है, आपको लिखने का मौका मिलता है। तो पीरियड आफ्टर 1858, जो 1858 के बाद का जो कालक्रम था, 1858 के बाद का जो समय था, विटनेस ए ग्रेजुअल वाइडनिंग ऑफ द गल्फ बिटवीन द एजुकेटेड इंडियंस एंड द ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 1800, मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल रहा हूँ, आपको आसानी से पता है, 1858 के बाद का समय इस बात का साक्षी है कि किस तरह से भारतीयों के बीच, जो शिक्षित भारतीय थे, नॉट द होल इंडिया, द एजुकेटेड इंडियंस और ब्रिटिश प्रशासन के बीच एक खाई बने, दूरी बनी, एज द एजुकेटेड इंडियंस स्टडी द कैरेक्टर ऑफ ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इंडियंस। जैसे जो अध्ययन करना शुरू किया कि ब्रिटिश प्रशासन की प्रकृति क्या है और ब्रिटिश प्रशासन का भारतीयों के भविष्य पर, भारतीयों के हित पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, दे बिकेम मोर एंड मोर क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी इन इंडिया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि मैं 1858 से 1885 के बीच के राष्ट्रवाद के विकास पे अपने पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में कंसंट्रेट कर रहा हूं। वो ज्यादा से ज्यादा क्रिटिकल होने लगे किसके? जो ब्रिटिश पॉलिसी इसके इंडिया में, जो उनका डिस्कंटेंट था, जो उनकी नाराजगी थी, जो का संतोष था, द डिस्कंटेंट ग्रेजुअली फाउंड एक्सप्रेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज।
उनके राजनैतिक कार्यकलाप में यह असंतोष स्पष्ट परिलक्षित होने लगा। डिसकंटेंट ग्रेजुअली फाउंड एक्सप्रेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी। द एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस नो लॉन्गर सेटिस्फाइड द पॉलिटिकल कॉन्शियस इंडिया। जो अभी तक आपने 4 5 6 सोसाइटीज का नाम सुना हो, वो सोसाइटी उनके असंतोष को किसी भी तरह से एक कोई आवाज नहीं दे पा रही, कोई अभिव्यक्ति नहीं दे पा रही। तो जो उनके अंदर एक डिस्कंटेंट आ रहा, असंतोष आ रहा, डिस्कंटेंट यूजुअली फॉर्म एक्सप्रेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बट द एग्जिस्टिंग एसोसिएशंस नो लॉन्गर सेटिस्फाइड द पॉलिटिकली कॉन्शियस। इन 1866, अब आते हैं दादाभाई नौरोजी आपके सामने। इन 1866 दादाभाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इन 1866 दादाभाई नौरोजी ऑर्गेनाइज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। कहाँ किया? इन लंदन। ये सवाल आ चुका है जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो जो बैठक है कहाँ हुई थी? लंदन। ये क्यों की गई? अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुनेंगे तो सवाल भरे पड़े हैं। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को लंदन में बनाया टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड टू इन्फ्लुएंस। आप उसको दो चीज देखिए, क्वेश्चन एंड इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन कौन से हैं? इंडियन क्वेश्चन। और इन्फ्लुएंस किसको करना है? ब्रिटिश पब्लिक में। जो इंडियन एसोसिएशन बनी लंदन में 1866 में, इसका मूल लक्ष्य क्या था? टू डिस्कस द इंडियन क्वेश्चन एंड टू इन्फ्लुएंस ब्रिटिश पब्लिक मेन। किसके लिए? टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। लेटर ही ऑर्गेनाइज ब्रांचेस ऑफ द एसोसिएशन इन प्रोमिनेंट इंडियन सिटीज। अब हम थोड़ा से दादा भाई नौरोजी के बारे में पढ़ लेते हैं। कई बार क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी, तिलक, महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष से कई फैक्ट एक साथ रख देते हैं और हम एकाध फैक्ट भी मिस कर जाते सवाल कर। तो दादा भाई नौरोजी के साथ क्या था? ही बॉर्न 1825। इनकी पैदाइश करती है 1845। ही डिवोटेड इंटायर लाइफ टू द नेशन नेशन मूवमेंट एंड सून ही केम टू नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। बच्चों का सवाल है, आप लोग उनको जानते होंगे, लेकिन जो नए एस्पायरेंट है उनके लिए ठीक है। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ही वाज आल्सो फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। इंडियास वो भारत के पहले आर्थिक चिंतक थे। ही वाज इंडिया फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर। वो भारत के पहले आर्थिक चिंतक थे। इन हिज राइटिंग ऑन इकोनॉमिक्स, जो उन्होंने इकोनॉमिक्स पे लेख लिखा, ही हैज एक्सप्रेस दैट, ही हैज शोड दैट द बेसिक कॉज ऑफ इंडियास पॉवर्टी, भारत की गरीबी का मुख्य कारण या प्रधान कारण या प्रमुख कारण ले इन द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया एंड द ड्रेन ऑफ इट्स वेल्थ। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है सबसे पहले उन्होंने। दादा भाई वॉज ऑनर्ड बाई बींग थ्राइस इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आप इसको तैयार करिएगा, कौन कौन से 3 अधिवेशन थे जिसमें दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? उन 3 अधिवेशनों, आप इसको मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, वह कौन से 3 अधिवेशन थे जिसमें
जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, दादा भाई नौरोजी के अलावा हु इज द सेकेंड लीडर हु वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। एक सवाल और लिखिए, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस हैविंग लॉन्गेस्ट टेन्योर। एक सवाल और लिखिए, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार हुए और महात्मा गांधी ने कांग्रेस की अध्यक्षता किस अधिवेशन में की। होप इट्स क्लियर, होप इट्स क्लियर, बोले है कि नहीं क्लियर, बोले तीन सवाल क्या हो गए कि महात्मा गांधी सॉरी दादा भाई नौरोजी तीन बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तो इनको तीन बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जस्टिस रानाडे एंड अदर, अब इसके बाद जस्टिस रानाडे बिल्कुल लोग सद गए, पूना साधु सभा 1870, पूना सार्वजनिक सभा। एटीन सेवेंटी में पूना साधु सभा बनाई जस्टिस रानाडे। 1870 में जस्टिस रानाडे और लोगों ने क्या बनाई, पूना साधु सभा। मैं फिर आपसे रिपीट, सारे सवाल कहीं का एग्जाम में आए हुए हैं। मद्रास महाजन सभा 1881, आप ईयर भी याद करिएगा। मद्रास महाजन सभा 1881, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस थे इनका पर्पस क्या था, क्या करते थे। These organizations were mainly devoted to criticize. These organizations were mainly devoted to criticism of important administrative and national measures. बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया फ्रेंड्स का, कि जो तीन चार आपको आप सुन रहे हो ना, ये क्या करते थे। ये मेनली इस बात पे डिवोटेड थे कि वो जो क्रिटिसाइज करते थे इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जो जो उसके प्रशासनिक और जो ये वैधानिक काम होते थे, प्रशासनिक और जो उनको विधायिका के काम होते थे उनको क्रिटिसाइज करते। पूर्णा जो पूर्णा साधक सभा ब्रॉड क्वार्टरली जन अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस रानाडे, पूना साधक सभा ने क्या किया, इन्होंने एक जनरल निकाला, एक उन्होंने पत्र निकाला। क्वार्टरली मतलब क्या है, त्रैमासिक, अंडर द गाइडेंस ऑफ जस्टिस रानाडे। यह जो जनरल था दिस बिकेम द इंटेलेक्चुअल गाइड ऑफ न्यू इंडिया पर्टिकुलरली ऑन द इकोनॉमिक क्वेश्चन। सवाल आप इसको एक लाइन याद करिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वॉज द इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। कांग्रेस के पहले की जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। तो जो यंगर नेशनलिस्ट थे ऑफ बंगाल हैड बीन ग्रेजुअली गेटिंग डिसकंटेंटेड, वो असंतुष्ट हो रहे थे लगातार विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की जो प्रो लैंडलॉर्ड पॉलिसी थी उससे लोग असंतुष्ट हो रहे थे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल फिल्म्स का क्या हो गया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। इसके बनने का कारण क्या था, जो यंगर नेशनलिस्ट थे बंगाल के हैड
हैड बीन ग्रेजुअली डिसकंटेंट, लगातार असंतुष्ट हो विद द कंजर्वेटिव एंड प्रो लैंड लॉर्ड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। वो क्या चाहते थे, वो चाहते क्या था, दे वांटेड ए सस्टेन पॉलिटिकल एजिटेशन ऑन इश्यूज ऑफ वाइडर पब्लिक इंटरेस्ट। उनको एक नेता मिला सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो एक ब्रिलियंट राइटर थे और ओरेटर। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को अनजस्टली, अन्यायपूर्ण ढंग से सिविल सेवा परीक्षा पास करने के बाद भी बाहर निकाल दिया गया। तो उन्होंने अपना पब्लिक कैरियर स्टार्ट किया 1870 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो बड़े नेता। में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया बाय डिलीवरिंग ए ब्रिलियंट एड्रेस ऑन नेशनलिस्ट टॉपिक टू द इंस्टीट्यूट ऑफ द कलकत्ता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ये दो यंग, अगर आप अपना सिलेबस देखिए तो आपके सिलेबस में टॉपिक था पर्सनालिटीज, मीन्स का सिलेबस देखिएगा, इसमें पर्सनालिटी सॉल्व हो जाती। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये यंगर नेशनलिस्ट थे ऑफ बंगाल। उन्होंने क्या बनाया, इंडियन एसोसिएशन की जुलाई 1876, जुलाई 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने बल्कि क्या बनाया, इंडियन एसोसिएशन। जो इंडियन एसोसिएशन थी इंडियन एसोसिएशन, क्रिएटिंग ए स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन पीपुल ऑन ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। आप अगेन रिपीटिंग, मैं हिंदी में कर दूंगा, फर्स्ट लेसन इन इंग्लिश। द इंडियन एसोसिएशन का एम क्या था, क्रिएटिंग ए पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, देश में एक जनमत बनाना ऑन पॉलिटिकल क्वेश्चन, किस पे, राजनीतिक प्रश्नों पे, एंड द यूनिफिकेशन, एकीकरण ऑफ द इंडियन पीपुल ऑन ए कॉमन पॉलिटिकल प्रोग्राम। यह एक इनका मुख्य, और इसके लिए इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पीपुल, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो, इसको ध्यान रखते हुए इन्होंने लो मेंबरशिप फीस रखी फॉर द पुअर क्लासेस। द फर्स्ट मेजर इशू, आप इंडियन एसोसिएशन को जब पॉइंट वाइज देखिए, आप इतना सवाल बहुत आता है। द फर्स्ट मेजर इशू इट टुक अप फॉर द एजुकेशन वाज द रिफॉर्म ऑफ द सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्विसेज रेगुलेशंस था उसके रिफॉर्म पे बात किया, एंड द रेजिंग ऑफ द एज लिमिट फॉर द इट्स एग्जामिनेशन। आपने पहले पिछले लेक्चर में आपने ध्यान दिया था कि 21 साल से 19 साल कर दी गई रिटर्न के समय 1876 में। उसके लिए क्या क्या उन्होंने, उस लिमिट को बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन की बात की। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस अपने इस मांग को लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री में टूर किया 1877-78 में, इन एन एफर्ट टू क्रिएट एन ऑल इंडिया पब्लिक ओपिनियन ऑन दिस क्वेश्चन। द इंडियन एसोसिएशन ऑल्सो कैरीड आउट एजिटेशन अगेंस्ट द आर्म्स एक्ट एंड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड इन फेवर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द टेनेंट्स फ्रॉम ऑपरेशन बाय द जमींदार्स। 1883 से 1885 के बीच में इट ऑर्गेनाइज पॉपुलर डिमोन्स्ट्रेशंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स टू गेट द रेंट विल चेंज इन फेवर ऑफ द पेरेंट्स। इट ऑल्सो एजुकेटेड फॉर बेटर कंडीशन ऑफ वर्क फॉर द वर्कर्स इन द इंग्लिश ओन्ड टी प्लांटेशन, वेयर कंडीशन ऑफ वॉज द नियर स्लेवरी। वहां पर जो कंडीशन थी वो पूरी तरह से दासता की थी, कोई दासता की बात थी। जो मेनी ब्रांचेस, कई ब्रांचेस बनी इंडियन एसोसिएशन के, वे ओपन इन टाउन एंड विलेजेस ऑफ बंगाल एंड ऑल्सो इन मेनी टाउन आउटसाइड बंगाल। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, ये आप आंसर कर सकते हो क्लास 7-8 मिनट सवाल से, अगर सिर्फ इंडियन एसोसिएशन का तो भी करोगे, अगर
1885 के पहले राष्ट्रवाद का विकास किस तरह से हुआ, और 1885 के पहले राष्ट्रवादियों की मांग क्या क्या थी। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये टाइम बन रहा था एक ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बनने का। आप सवाल ऐसे भी आंसर कर सकते हो, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। सी वन मोर क्वेश्चन, व्हाट वाज द बैकग्राउंड ऑन विच इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म। और वन मोर क्वेश्चन, व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस लीडिंग टुवर्ड्स फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। वो कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनने का मार्ग प्रशस्त किया। आप सवाल कैसे भी बनाओ आंसर एक ही होगा। तो जो अभी टाइम आ रहा था, द टाइम वॉज नाउ राइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल इंडिया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब नेशनल इस बात को फील करने लग गए थे, एक पॉलिटिकल यूनिटी की आवश्यकता है अगेंस्ट कॉमन एनिमी। कॉमन एनिमी क्या था? ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल वाज़ द कॉमन एनिमी। जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन थी वह एक यूजफुल पर्पस जितना कर सकती थी कर चुकी थी। एग्जिस्टिंग और हैड सर्वड ए यूजफुल पर्पस, बट देयर नैरो देयर स्कोप एंड फंक्शन। जितना करना था कर चुकी थी, अब आगे की राह में उनका काम नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा था? वो अपने वो नैरो थे, वो संकीर्ण थे स्कोप में, फंक्शनिंग में। दे डील्ड मोस्टली विद द लोकल क्वेश्चंस। वो स्थानीय मुद्दों पर काम कर रहे थे, एंड देयर मेंबरशिप एंड लीडरशिप आर कंफाइंड टू ए फ्यू पीपल। उनकी जो मेंबरशिप थी और लीडरशिप थी वह कुछ लोगों तक सीमित थी, बिलोंगिंग टू ए सिंगल सिटी और प्रोविंस। Even the Indian Association had not succeeded in becoming an all-Indian organization. वो all-Indian organization body बनने में असफल रही। तो Indian Association sponsored किया an all-India national conference at Calcutta in December 1883. This conference was attended by several leaders from outside Bengal. It adopted a program वेरी सिमिलर टू द वन अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिससे यह मर्ज हो गई विद इन मर्ज। अब जो मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस था, जब हम देखते हैं कैसे मिडिल क्लास उस समय नेशनलिस्ट हो रहा था, राइज कर रहा, जो मिडिल क्लास कॉन्शियसनेस थी, जो सोशल रूट्स थे इंडोनेशिया के, बाय द 1880s द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड इंडियंस वाज अबाउट 50,000 मार्क्स। आप 1880 के दशक, 1880s, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट फिगर्स है, आपको काम नहीं। बाय 1880s जो इंग्लिश एजुकेटेड पीपल थे इंडिया में 50 है पहुंच गए। इनकी संख्या कितनी हो गई थी? 50,000। नंबर ऑफ दोज स्टडिंग इंग्लिश वेंट अप टू द 2,98,000 1887 में। 2,98,000 1888 के दशक में द टोटल नंबर ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड लेटर अप्रोचिंग 50,000। द नंबर ऑफ दोज इज स्टडी इंग्लिश, जो इंग्लिश स्टडी कर रहे थे, ये क्या है? स्टडी इंग्लिश, ये हो गया एजुकेटेड, ये हो गया स्टडी इंग्लिश। थे 2,98,000, जो संख्या 1907 में बढ़ती कितनी हो गई? 5,05,000। जो संख्या 1907 बढ़ती कितनी हो गई? 5,05,000। जो लिटरेसी फिगर थी वो 1911 में सिर्फ 1% थी। जो लिटरेसी फिगर थी, जो लिटरेसी फिगर थी वह 1911 में 1%। लिटरेसी फिगर इन 1901 फिगर थी फॉर द इंग्लिश। लिटरेसी फिगर इन 1901 वाज ओनली 1% फॉर द इंग्लिश एंड 6% फॉर वर्नाकुलर। 1% इंग्लिश थी और 6% वर्नाकुलर। उन्नीस सौ ग्यारह तक
जो लिटरेसी थी 1% थी इंग्लिश की और 6% थी वर्नाकुलर की। जो इंग्लिश एजुकेशन था ये बेनिफिशियली यूनिक कैपेसिटी टू स्टडीज काउंटेड ऑन द कंट्री वाइड स्केल, या जो इंग्लिश एजुकेशन पढ़ा है जस्ट सी द रोल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। जो इंग्लिश एजुकेशन था जो 50,000 से जुड़ा था 98,000 हुआ, 5,05,000 हुआ, इस इंग्लिश एजुकेशन ने क्या किया, इसने एक यूनिक कैपेसिटी जो इंग्लिश एजुकेशन से बेनिफिशियरी हो रहे थे, जो अंग्रेजी भाषा से लाभान्वित हो रहे थे, उनके अंदर एक यूनिक कैपेसिटी क्या आ रही थी, वह एक कंट्री वाइड स्केल पर अपने संबंध को स्थापित कर रहे थे। इंग्लिश एजुकेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, लॉयर्स, टीचर्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर, ये क्या कर रहे थे, ये आउटसाइड अपने होम और रीजन के काम कर रहे थे। ये ऑफन वर्क आउटसाइड होम रीजन, अपने होम रीजन के बाहर काम कर रहे हैं। ऑलरेडी 1870s द एग्जिस्टेंस ऑफ कॉलोनीज ऑफ एजुकेटेड बंगालीज इन मेनी नॉर्थन टाउन्स इनेबल्ड सुरेंद्रनाथ बनर्जी टू मेक सेवरल सक्सेसफुल पॉलिटिकल टूर्स एंड इंडियन एसोसिएशन टू सेटअप ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस आउटसाइड बंगाल। आप देखिए बहुत से शहरों में आज भी बंगाली टोला होता है। आप पटना देखिए, आप इलाहाबाद देखिए, आप लखनऊ देखिए, हर जगह बंगाली कॉलोनी होती है। तो जो बंगाली कॉलोनी लगातार बढ़ रही थी, तो 1870 के दशक में ये जो एजुकेटेड बंगाली थे ये बहुत से नॉर्थ इंडियन टाउन्स में सेटल करने लगे। इसने क्या बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया, इसने सुरेंद्रनाथ बनर्जी को इस बात को इनकरेज किया उत्तर भारत के बंगाली इलाकों में भ्रमण करें और वहां उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की ब्रांचेस को सेटअप किया। इससे फायदा क्या हुआ कि बंगाल के बाहर भी इंडियन एसोसिएशन की ब्रांचेस बहुत ज्यादा सेटअप होने लगे। एवं ऑल द वेस्टर्न एजुकेशन डिड ब्रिंग विद इट एन अवेयरनेस ऑफ वर्ल्ड करेंट एंड आइडियोलॉजीज विदाउट व्हिच इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट कॉन्शियस थ्योरीज ऑफ हिस्टम। जो वेस्टर्न एजुकेशन था, जो पश्चिमी शिक्षा थी, इसने विश्व की घटनाओं के बारे में, विश्व की विचारधाराओं के बारे में, विश्व के सिद्धांतों के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने का प्रयास आ रहा। अगर यह जागरूकता ना थी तो राष्ट्रवाद की चेतना का विकास आसान होता। उसी समय एट द सेम टाइम द एलिमिनेटिंग एंड डिविजिंग इफेक्ट ऑफ एजुकेशन थ्रू ए वर्ल्ड मीडियम वेर इविडेंट इनफ फ्रॉम द बिगिनिंग एंड हैव परसिस्टेड राइट अप टू प्रेजेंट डे। लेकिन साथ में जो एक फॉरेन एजुकेशन की जो डिवीजन थी वो लगातार दिख रही थी, जो हमको आज भी देख रही। अगर हम आंकड़ों से देखें, इन 1883-84, इन 1883-84, 1883-1884, 1883-1884, ओनली 9% ऑफ फॉरेन बंगाल केम फ्रॉम फैमिली विद एनुअल इनकम ऑफ लेस देन 200 रुपीज। बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है ये। एटीन एटी थ्री एटी फोर में अगर आप फिगर देखें, एनुअल इनकम 200 रुपए से कम, सर 200 रुपए बड़ी बड़ा बहुत बड़ी कहते हैं घर हुआ करता। इन 1883 में ओनली 9% ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन बंगाल केम फ्रॉम फैमिलीज विद एनुअल इनकम ऑफ ₹200। अगर इसको आप देखें तो क्या है कि 91% लोग अमीर हो गया। जो ट्यूशन फीस थी कलकत्ता हिंदू कॉलेज की, ट्यूशन फीस ऑफ कलकत्ता हिंदू कॉलेज की ट्यूशन फीस, कलकत्ता हिंदू कॉलेज की ट्यूशन फीस थी वो ₹5 पर मंथ थी 1820 में, ₹5 पर मंथ।
1820 से 1820 के दशक में ही 5 रुपए प्रतिमा थी। तो जो शार्प रीजनल डिस्पैरिटीज थी पोस्ट एंड द प्रॉब्लम कॉजिंग प्रोविंशियल टेंशन एज इंग्लिश एजुकेशन इंक्रीजिंगली बिकेम द सोल पाथ टू द बुकशॉप। इसलिए 84.7% ऑफ हिंदू कॉलेज स्टूडेंट, इस हिंदू कॉलेज के 84.7% स्टूडेंट थे, 84.7% स्टूडेंट जो हिंदू कॉलेज के थे केम फ्रॉम द थ्री भद्रलोक कास्ट ऑफ ब्राह्मिन्स, कायस्थ और वैश्य। अब आप इसको मैं बताने की कोशिश क्यों कर रहा हूं, अगर आप देखें आप जब राष्ट्रवाद का विकास आप लिखें तो क्रिटिकली लिखें राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या समस्याएं थी, राष्ट्रवाद विकसित सीमित क्यों हुआ। तो राष्ट्रवाद के सीमित विकसित होने में आप ये इकोनॉमिक डिस्पेरिटी, इंग्लिश लैंग्वेज को भी आप जरूर लिखें। तो 84.7% ऑफ हिंदू कॉलेज स्टूडेंट इन बंगाल केम फ्रॉम द थ्री भद्रलोक, तीन प्रमुख वर्ग से आते थे, ब्राह्मण, कायस्थ और वैश्य। द नंबर, अगला लिखिए फैक्ट, द नंबर ऑफ प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस, द नंबर ऑफ प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस वेंट फ्रॉम 11 to 53, 11 to 53 बिटवीन 1881-82 1901-02। जो नंबर ऑफ अनएडेड कॉलेजेस थे, प्राइवेट कॉलेजेस थे, वो इन इन वर्षों में बढ़ रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया, शिक्षा महंगी हो रही थी, शिक्षा कुछ लोगों के हाथों में सीमित हो रही थी। जो अनएडेड कॉलेजों की फीस महंगी होगी होगी, इट शुड ऑल्सो बी रिमेंबर्ड दैट द फर्स्ट बिल टू मेक प्राइमरी एजुकेशन कंपल्सरी एंड फ्री फॉर फैमिलीज अर्निंग लेस देन ₹10 ए मंथ वाज मूव इन द इंपीरियल इंपीरियल काउंसिल बाय गोखले इन 1911 एंड विच वॉज रिजेक्टेड बाई मेजोरिटी। इसको भी आप देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यह याद करने लायक तथ्य है, यह याद किया जाना चाहिए कि जो पहला प्राथमिक शिक्षा को लेकर, प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा को लेकर जो बिल प्रस्तुत किया गया, प्राथमिक अनिवार्य मुफ्त शिक्षा को लेकर बिल प्रस्तुत किया गया, उन फैमिलीज के लिए जिनकी अर्निंग ₹10 प्रति माह से कम है, इंपीरियल काउंसिल में गोखले ने प्रस्तुत किया और उसको ऑफिशियल मेजोरिटी में रिजेक्ट कर दिया। उस समय लिटरेचर में, साहित्य में, अब आते हैं एक अंदर एस्पेक्ट पे कि राष्ट्रवाद के विकास में साहित्य ने, संस्कृति ने कैसे मदद की। पैट्रिज्म इन लिटरेचर बंगाल 1860s एंड 1870s प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ पैट्रियोटिक पोएम्स एंड सॉन्ग्स, जो इस बात को प्रस्तुत कर रहे, इस बात को वो इस बात को एक्सप्रेस कर रहे थे, द प्लाइट ऑफ द कंट्री एट ए टाइम व्हेन डायरेक्टली रिफरिंग टू द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। जो 1860 और 70 के दशक में जो बहुत से पेट्रियोटिक पोएम सॉन्ग लिखे गए, वह देश के उस दुर्भाग्य की बात करते जब हमारा हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन कर। मेनी ऑफ दीज वर रिटन फॉर द हिंदू मेला, कई इसमें लिखे गए फॉर द हिंदू मेला ऑर्गेनाइज फॉर सेवन फ्रॉम 1867। नव गोपाल मित्र, ये भी नाम याद करिए, नव गोपाल मित्र, हिंदू मेला होता था जिसको ऑर्गेनाइज कौन करता था, हिंदू मेला ऑर्गेनाइज होता था बाई नव गोपाल मित्र विद द बैकिंग ऑफ टैगोर फैमिली। तो जो ये
जो पोएम्स ये लिखी गई, जो रचनाएं लिखी गई फॉर द हिंदू मेला ऑर्गेनाइज बाय द सम ईयर्स ऑफ 1867 बाय नवगोपाल मित्र विद द बैकिंग ऑफ द टैगोर फैमिली, द न्यूली एस्टैब्लिश्ड थिएटर वाज बीन मोर डायरेक्टली एंटी ब्रिटिश फ्रॉम दीन बंधु मित्र एक्सपोजर ऑफ इंडियो प्लांटर्स इन नील दर्पण 1860, नील दर्पण 1860, तो नील दर्पण नाटक लिखा गया 1860 में, इसका जिक्र एनसीईआरटी में भी है। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था दीन बंधु मित्र ने, जो किस बात करता है, जो इंडिगो प्लांटर्स के शोषण की बात करता है। कई प्ले ऐसे लिखे गए इन 1870s में, कई प्ले ऐसे लिखे गए जो प्ले डायरेक्टली जो सर्टेन सर्टेन प्लेज इन द 1870 व्हिच लेड डायरेक्टली टू लिटिल्स ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट। 1876 में लिटिल ने ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, ऐसे एक्ट आने, ऐसे नाटक आने लगे कि लिटिल को 1876 में ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट लाना पड़ा। द ग्रेटेस्ट सिंगल इन्फ्लुएंस, द ग्रेटेस्ट सिंगल इन्फ्लुएंस ऑफ बंकिम चंद चटर्जी विद हिस्टोरिकल नॉवेल्स आनंद, जो उसका क्लाइमेक्स होता आनंद मठ में, जिसमें वंदे मातरम की जो कविता है, वंदे मातरम की जो कविता है आपको जो सुनती, वंदे मातरम की जो कविता है उसमें मिलती। उस समय जो ऐसे लिखे गए, थ्रू ऐसेस एज वेल एज नॉवेल्स ऑफ बंकिम चंद चटर्जी सॉट टू इवोक ए न्यू इंटरेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री, स्ट्राइकिंग नोन टिपिकल ऑफ नेशनलिज्म ऑफ द बोडो। तो बंकिम चंद जी के जो नॉवेल थे, जो उपन्यास थे, वह एक राष्ट्रवाद के विकास बात करते हैं। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 1880s एंड 90s जिसने हिंदू रिवाइवल की बात की, अगर आप 1880 और 90 के दशक को देखें, वी सॉ द हिंदू रिवाइवलिज्म एज हाइट इन बंगाल सीम्स टू हैव बीन मार्क्ड बाय सडन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल The theater was now dominated by the Girish Chandra Ghosh sentimental domestic dramas or plays on the Puranic themes with little direct political content. In 1903, Bipin Chand Pal started. In 1903, Bipin Chand Pal stated that since the Ilbert Bill, there's politics have been neglected in the interest of the abstract religion. And in consequence, regional songs have supplanted the old national songs. A broadly similar pattern of the connection between the nationalism and the development of the regional literature can be seen in the other, in the, seen in the other part of the country. जो डेवलपमेंट था, डेवलपमेंट ए पैट्रियोटिक लिटरेचर इन द लैंग्वेज ऑफ वेरियस इंडियन पीपल्स कंटेन सर्टेन कम्युनिटीज, इट टेंडेड टू फॉस्टर मोर और लेस एट द सेम टाइम नेशनल रीजनल एंड कम्युनल कॉन्शियसनेस। इसलिए जो बंकिम चंद थे वाज कंसर्न्ड एसेंशियली विद द हिस्ट्री ऑफ बंगाल, वो लगातार बंगाल की हिस्ट्री की बात करते थे। एसर्टेड दैट बंगाल हैज लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस विद बख्तियार खिलजी नॉट विद द काशी, एम्फेसाइज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द मुगल सेंट्रलाइजेशन ऑन द रीजनल लाइफ एंड लिबरली डिस्ट्रीब्यूटेड अब्यूज ऑफ मुस्लिम्स इन दिस मेजर पॉलिटिकल नॉवेल्स। तो जो उनकी बात के हिस्टोरिकल नॉवेल्स थे उसमें जो उस समय के मुस्लिम शासक थे उनके खिलाफ वो बात बात उस समय का जो एक रोमांटिक मिथ था, जो एक राजपूत की ब्रेवरी थी, जो जो राजपूत का वैल्यू था, उसको
मुस्लिम इन्वेडर्स के अगेंस्ट भी उस समय के नाटकों में प्रस्तुत किया जा रहा था, जो बंगाली पोएट्री थे, ड्रामास थे, नॉवेल्स थे, जो बुक्स फॉर चिल्ड्रन थे उसमें एक हिंदू रिवाइवल का सेंटिमेंट दिखा, जो कल्ट ऑफ शिवाजी था वह एक हिस्टोरिकल रूप में सामने आने लगा। और बंगाल तक में जो शिवाजी का कर्ण था, जो शिवाजी कर्ण था वो बंगाल तक में अपना प्रभाव लेके जाने लगा। तो मराठा से शिवाजी का जो कर्ण था वो बंगाल तक। अब इन परिस्थितियों के बीच में जो मुस्लिम इंटरव्यू था वो अपने तरह का एक अलग राष्ट्रवाद की बात, मुस्लिम जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो डेवलप करने लगे देयर ओन वैरायटी ऑफ ब्रिटेनियस दर्शन, जो ग्लोरीफाई करने लगे प्रिसाइज द पीरियड्स एंड फिगर्स एड्यूस्ड बाय हिंदूज एंड इवोकिंग द नॉस्टैल्जिक जो फीलिंग्स थी, जो जो लास्ट जो लॉस्ट ग्लोरीज ऑफ इस्लाम। अगर आप यहाँ देखें तो एक यहाँ पर जो भारत के राष्ट्रवाद में सांस्कृतिक पक्ष था उसमें कॉन्ट्रडिक्शन दिख रहा है कि जो हिंदू रिवाइवल था उस हिंदू रिवाइवल के साथ साथ एक जो एक मुस्लिम सेंटिमेंट था वह एक अलग पक्ष प्रस्तुत करने लगे, वह जो इस्लाम का जो खोया हुआ गौरव था उसको वापस। इवोकेशन ऑफ तमिल हिस्ट्री एंड पास्ट एंड क्लासिकल तमिल लिटरेचर इनकरेज बाय द प्रिंसिपल स्कॉलर्स बाय द अर्ली 10th 20th सेंचुरी इज हैविंग ए स्ट्रॉन्ग एंटी ब्राह्मिनल रोल व्हिच कुड इजीली बिकम एंटी नॉर्थ इंडियन आइस। जो तमिल लिटरेचर था, तमिल हिस्ट्री था, इसको ब्रिटिश स्कॉलर इंटरेस्ट कर और वह एंटी नॉर्थ इंडियन सेंटिमेंट्स को रख दिया। जो लिटरेरी हिंदी थी अगेन वॉज वेरी मच ऑफ एन आर्टिफिशियल क्रिएशन क्लोजली एसोसिएटेड विद हिंदू रिवाइवल। जो हिंदी थी, हिंदी के बारे में भी कहा जाने लगा कि यह जो है वह हिंदू रिवाइवल के साथ। अगर हम ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि हमको एक चीज समझनी होगी, राष्ट्रवाद के विकास में हमारा कल्चर कैसे होगा, हमारी संस्कृति कैसे होगा, उस राष्ट्रवाद के विकास में कॉन्ट्रडिक्शन किस तरह। एज लेट एज डिकेड ऑफ 1881 टू 1890 4380 देखिए फिगर उर्दू बुक्स हैव बीन पब्लिश्ड इन यूपी एज कंपेयर टू 2793 व्हाइल द करेस्पॉन्डिंग 4380 दूसरी है 279। तो 4380 क्या है? उर्दू बुक्स। ये क्या है? लिखने करेस्पॉन्डिंग सर्कुलेशन फिगर्स ऑफ द न्यूज पेपर 16256 फॉर उर्दू 16256 फॉर उर्दू और 8002 फॉर हिंदी। ये सारे फिगर मैंने लिए हैं सुमित सरकार की किताब से। अगर प्रेमचंद को देखें तो प्रेमचंद 1915 तक 1915 तक उर्दू में, उसके बाद उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया जब उनको उर्दू में पब्लिशर मिलने मुश्किल हुआ। जो कैंपेन था हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट का और जो एक हिंदू को हिंदी से जोड़ जाने की प्रक्रिया शुरू की गई, जो हाईली सब्सिडाइज हिंदी की बात की गई, इसमें नेशनल जो हिंदी का नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस था उसमें थोड़ी सी समस्या आरंभ हो सकती है। यह जो ओपिनियन सुमित सरकार ने भी फिगर दिए हैं इसको बस समझने की कोशिश, जिस समय वो उर्दू हिंदी की बात कही जा रही है उसमें हिंदी का विकास नहीं हुआ, हिंदी का विकास आरंभ होता है। एक विकसित भाषा भाषा के लिए यह फिगर छोटी नहीं। जब आप राष्ट्रवाद के विकास का सांस्कृतिक पक्ष लिखें उस सांस्कृतिक पक्ष में तीन चीजें महत्वपूर्ण, एक राष्ट्रवाद के विकास में कैसे हमारी पोएट्री ने, पोएम्स ने,
ने, राइटिंग्स ने, एसेज ने मदद की। दूसरा, जो हिंदू रिवाइवल सेंटिमेंट्स आ रहे थे, उस हिंदू रिवाइवल सेंटिमेंट्स ने राष्ट्रवाद के विकास में किस तरह से एक बाधक भूमिका का निर्वाह किया। तीसरा, भाषा और साहित्य का विकास कैसे, हिंदी किस तरह से वह विकसित लगी। चौथा, जो हिंदी का आर्टिफिशियल फॉर्म था, संस्कृताइज हिंदी का फॉर्म करना था, या हिंदी को उर्दू से अलग करने की बात कही गई, जबकि हिंदी उर्दू को अलग करना आसान नहीं, इसने राष्ट्रवाद के विकास में किस तरह योगदान, राष्ट्रवाद के विकास को कैसे रोकने की कोशिश। तो हम आपको कहाँ पर आ गए हैं, वी रीच अप टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। होप यू हैव गॉट द लेक्चर। विल टेक द नेक्स्ट लेक्चर द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। थैंक यू।